नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी के कार्यालय पे और हमारे साथ हैं एडवोकेट भानु प्रसाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं राष्ट्रीय जन संघर्ष पार्टी के। भानु जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भानु जी, एक बात बताइए, अभी सवर्ण समाज को 10% आरक्षण देने की बात हुई है और वो भी इलेक्शन से पहले, तो इसके बारे में क्या आप बताएंगे और क्या बोलना चाहेंगे? ये देखिए, जो 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया है, पहले तो ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। संविधान में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से है, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में और अनुच्छेद 340 में, कि जो भी आरक्षण होगा वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर होगा, क्योंकि ये गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। ये लोगों को समानता के स्तर पर लाने का एक तरीका है, इसीलिए वो आरक्षण दिया गया है। और ये बीजेपी सरकार ने ये हमेशा से इसका जो रवैया रहा है वो एससी एसटी ओबीसी के विरोध में रहा है, उनको हमेशा से इस सारी सुविधाओं से वंचित करने का उनका रहा है। तो ये सारा सब कुछ इस आधार पर धीरे से ये पिछले दरवाजे से अंदर घुसेंगे। और जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण है उसे खत्म करेंगे। उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। ये आर्थिक आधार जो है, पहले से ही आप देख रहे हैं कि बार बार, चाहे मोहन भागवत हों जो आरएसएस चीफ हैं, या बीजेपी के और जितने भी लोग हैं, या संघ परिवार के जितने भी लोग हैं, वो हमेशा आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करते रहे हैं। आर्थिक आधार पर जब आरक्षण है ही नहीं, तो संविधान में इसका प्रावधान नहीं है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं? लेकिन दुखद यह है कि लोकसभा में भी पास हो गया और बहुजन समाज के किसी भी जो सांसद ने इस बात का विरोध भी नहीं किया कि ये सब कुछ पूरा षड्यंत्र एससी एसटी ओबीसी के जो आरक्षण है उसको खत्म करने का षड्यंत्र है, वो दूरदर्शी नहीं है, इसे समझ नहीं पा रहे। उन्होंने किसी ने इस बात का विरोध नहीं किया, जबकि उन्हें खुलकर विरोध करना चाहिए था। लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया और अब राष्ट्रपति के पास है, उनके पास, उनके हस्ताक्षर के बाद में ये पूरी तरह से लागू होने की स्थिति में आ जाएगा राज्य सरकारों से। अब राज्य सरकार जो है उन्हें भी ये सोचना है कि उन्हें करना क्या है। तो ये मेरे विचार में बिल्कुल षड्यंत्र है, बड़ा कुटिल षड्यंत्र है बीजेपी का, कि इसके माध्यम से आर्थिक आधार पर आरक्षण की चर्चा लागू की जाए और बुरी तरह से उसे करके जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण है उसे खत्म किया जाए। हम किसी भी हालत में ऐसा होने नहीं देंगे। देश भर में इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन चलाएंगे। मैं चेतावनी देता हूं भारतीय जनता पार्टी को और बाकी जो भी नेता हैं जो इसके पक्ष में हैं या जो इस षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं, और इस आधार पर अगर एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने की कोशिश की गई तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे, पूरे देश भर में आंदोलन करेंगे हम इस बात का। बताए कि ये जो आरक्षण है ये जस्ट एक लॉलीपॉप की तरह है और एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को खत्म करने के लिए ये रणनीति तैयार करी है। हमारे चैनल से बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया।